झांसी राजपूत सुसाइड केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक से अभिनेता के खाते की डिटेल्स सामने आई है, जिसके अनुसार 5 बार पूजा पाठ के लिए करीब 3 लाख रुपयों का पेमेंट किया गया है। पंडित को भी पैसे ट्रांसफर किए गए। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने इस पैसे का इस्तेमाल अभिनेता पर जादूटोना करने के लिए किया। कोटक महिंद्रा बैंक से सुशांत के खाते से पेपर उपलब्ध है। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसके बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह पर मेदांत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामनगरी के उत्तरी छोर पर प्रभामान सरयू के उद्दाम लहरे मानो रामलला के चरण पखारने को आतुर हो रही है। यहाँ पहुँचते ही हर किसी को सरयू तट के आभा के साथ सबरती अयोध्या का ऐसा संगम दिखता है जैसे रामनगरी में उदय के पूर्व नए युग का सूर्य आभा बिखेर रहा हो। नागपुर ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा के दस्ते ने भिवापुर शहर के व्यापारी घर में छापा मारकर सुगंधित तंबाकू पकड़ने की कार्रवाई की। आगे की जांच के लिए भिवापुर पुलिस को केस सुपुर्द किया गया है। कोरोना प्रादुर्भाव के चलते तंबाकू पान मसाला अमली पदार्थ पर बिक्री राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बंदी है। इस घटना की जाँच थानेदार महेश गोरटेकर के मार्गदर्शन में थाने के उप निरीक्षक शरद भस्मे कर रहे हैं। भारतीय रेल ने 109 रूटों पर चलने वाली 150 प्राइवेट ट्रेनों का रूट तैयार कर देश भर में अधिकारियों से 7 अगस्त तक सुझाव मांगे। इनमें नागपुर से चंडीगढ़ के बीच 2 प्राइवेट ट्रेनें भी शामिल की गई। एलेक्सिस अस्पताल के डॉक्टरों को धमकाने मामले में आरोपी साहिल सैयद के भाई तौफिक सैयद को न्यायालय से जमानत मिल गई है। वही साहिल की तीसरी पत्नी नीलिमा जायसवाल को न्यायालय ने 3 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। धोखाधड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच ने नीलिमा को वर्धा से गिरफ्तार किया। नागपुर में रविवार को मौसम के कई रूप देखने मिले। सुबह जहां मौसम बदरीला था, वहीं दोपहर में धूप खिली और अपराह्न में 4 बजे के बाद मौसम ने करवट ली और काले घने बादल छाने लगे। आधे घंटे बाद गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। नागपुर जिले में कोविड से मौत के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को 107 सहित कुल 15 संक्रमितों की जान चली गई। इसके साथ ही कुल 154 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड से मृत्यु की दर 2.1% हो चुका है। रविवार को 235 नए संक्रमित मामले सामने आए, इसमें शहर से 150 तथा ग्रामीण से 85 मरीज है। संक्रमितों की कुल संख्या 5,897 हो चुकी है। मनपा के प्रभाग क्रमांक 32 स्थित EWS कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से जलपूर्ति बंद है। इससे परेशान नागरिक स्थानीय पार्षद के पास पहुंचे। इसे देखते हुए भाजपा पार्षद व स्थापत्य समिति के सभापति अभय गोटेकर प्रभावित नागरिकों के साथ सिविल लाइन स्थित मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के निवास पर रविवार को पहुंचे और धरने पर बैठ गए। कोविड-19 के संक्रमण के बाद पिछले 4 महीनों में गत शनिवार को शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक मरीज मिले हैं। शहर में 122 और गांव में 148 मरीज पॉजिटिव पाए गए।